नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। नेक्रोजूस्पर्मिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सीमन सैंपल में बहुत ज्यादा मात्रा में स्पर्म्स इमोटाइल यानी कि बिल्कुल नहीं हिल रहे होते, या बहुत कम इमोटाइल स्पर्म्स होते हैं यानी कि वो आगे बढ़ नहीं पाते। सो नेक्रोजूस्पर्मिया तब होता है। इस कंडीशन में जो स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं या तो मरे हुए होते हैं या नॉन फंक्शनल होते हैं। सो वो हिल नहीं रहे ठीक है, एक बात है, मगर डेड भी होते हैं। सो इसे नॉन वायबल स्पर्म्स कहा जाता है। डेड स्पर्म्स रहने के कारण ये स्पर्म्स अंडे तक पहुंच नहीं पाते, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता और इसका असर होता है मेल फर्टिलिटी पे। आइए देखते हैं इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, यानी कि क्यों होता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। पहला कारण हो सकता है इन्फेक्शंस हो। इन्फेक्शंस जिसे हम एपिडिडिमाइटिस कहते हैं, ऑर्किटाइटिस कहते हैं, ये इन्फेक्शंस अगर हो तो डायरेक्टली नेक्रोजूस्पर्मिया हो सकता है, यानी स्पर्म बिल्कुल ना हिलना, हिलना ही नहीं, कभी कभी मर भी जाना स्पर्म्स देखा गया है। वैरिकोसील, अगर वैरिकोसील हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। वैरिकोसील वेन्स का सूज जाना है, एनलार्जमेंट कहते हैं, इसकी वजह से टेस्टिस में टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म का क्वालिटी कम होना देखा गया है। अगर एपिडिडिमिस या वास डिफरेंस में या मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो तो भी स्पर्म मोटिलिटी पे असर पड़ सकता है और स्पर्म्स का मर जाना भी देखा गया है। टॉक्सिक एक्सपोजर अगर हो, जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं या कोई टॉक्सिन्स हैं, पेस्टिसाइड्स हो गए, रेडिएशन हो गया, तो भी नेक्रोजूस्पर्मिया हो सकता है। कुछ दवाइयां होती हैं जैसे कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, जिसकी वजह से स्पर्म वायबिलिटी यानी कि स्पर्म जिंदा या ना रहने पर भी असर पड़ सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसमें होता यह है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो सोचता है कि स्पर्म भी एक आउटसाइड सेल है और उसे ही डैमेज करके मार डालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से नेक्रोजूस्पर्मिया हो सकता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? ट्रीटमेंट ऑप्शंस अंडरलाइंग कॉज को देखते हुए दिए जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, किसकी वजह से ये हो रहा है, ये देखा जाता है। अगर इन्फेक्शन एक कारण है तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंटीवायरल मेडिकेशंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का कम होना देखा गया है और स्पर्म क्वालिटी का इम्प्रूव होना भी देखा गया है स्टडीज के द्वारा। अगर वैरिकोसील है तो वैरिकोसील को ठीक किया जाता है, उसका जो सर्जरी है जिसे वैरिकोसीलेक्टमी कहते हैं उसे ठीक किया जाता है, जिसकी वजह से भी स्पर्म के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शन है IVF में जिससे सक्सेस रेट आप पा सकते हैं। IVF में ही एक भाग होता है ICSI नामक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें स्पर्म को सिलेक्ट किया जाता है उसके वायबिलिटी पे आधारित, यानी कि अगर वो हिल रहा है तो ही उसको सिलेक्ट किया जाता है और एक एक स्पर्म को एक एक अंडे में डालकर एम्ब्रियो तैयार किया जाता है। अगर फिर भी स्पर्म में कोई भी हिलता हुआ स्पर्म ना दिखे तो पेंटोक्सिफिलिन नामक एक सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, जिससे जो जीवित स्पर्म्स हैं वो हिलने लगते हैं और उन स्पर्म को सेलेक्ट करके ICSI प्रोसीजर द्वारा एम्ब्रियो को तैयार किया जा सकता है। तो ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शन जरूर है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन द्वारा हो रहा है तो TESA टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन कहते हैं, स्पर्म को टेस्टिस से निकाला जाता है एक सर्जरी द्वारा और उन स्पर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं ICSI प्रोसीजर के लिए। तो ये हो गए ट्रीटमेंट ऑप्शंस लेबोरेटरी में, लेकिन आप भी कुछ कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को बदल सकते हो। अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो छोड़ दो, अगर आप शराब पीते हो तो उसे छोड़ दो, बैलेंस डाइट को मेंटेन करो, ओवरऑल हेल्थ अपना अगर ठीक रखेंगे तो स्पर्म हेल्थ भी अवश्य ठीक होगा। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स अगर आप लें, विटामिन सी, ई, कोएंजाइम Q10, सिलीनियम, ये सारे अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि हार्मफुल इफेक्ट स्पर्म पे कम होगा और स्पर्म का वायबिलिटी भी इम्प्रूव होगा। अगर आपको ऑटो इम्यून रिलेटेड नेक्रोजूस्पर्मिया है, ऑटो इम्यून डिजीज जिस मैंने बताया, अगर वो है तो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये जो इम्यून सिस्टम का अटैक है स्पर्म्स पे वो कम होता हुआ देखा जाएगा। ऑफकोर्स ये सब आपको डॉक्टर से मिलने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। जब किसी को नेक्रोजूस्पर्मिया का रिपोर्ट दिया जाता है तो बहुत चैलेंज होता है, पेशेंट्स को बहुत निराशा होती है कि स्पर्म्स ठीक नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं पा सकते। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत हैं, आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है जानने के बाद ही आपको सही रास्ता चुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ट्राई नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑफकोर्स जितना टेक्नोलॉजी अभी आज आपको अवेलेबल है उनमें आप कुछ ना कुछ तो ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका सक्सेस रेट बढ़ सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।